बुलेटिन में खुशामदी। सबसे पहले आपको देंगे बड़ी खबर। हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। वजीर दाखिला राना सनाउल्ला ने समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए बताया है कि कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मंजूरी देगी। बनू में दहशतगर्दों की पनाहगाहों को क्लियर किया जाएगा। हो सकता है ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही दहशतगर्द भाग जाएं। राना सनाउल्ला का कहना था कि मुसल्ला अफवाज दिनों और हफ्तों में इलाकों को क्लियर करने की सलाहियत रखती है। दहशतगर्दों के ठिकानों का सफाया किया जाएगा के को दोबारा से जहां जहां पे भी फुटप्रिंट हैं दहशतगर्दों के, या वो आके उन्होंने दोबारा से जो है वो अपनी जो है वो वहाँ पे कमीन गाहें बनाई हैं, तो उनको क्लियर किया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है कि ये इलाके मुतासर हैं और हमें यहाँ जाकर दोबारा से ऑपरेशन करना है, इसको क्लियर करना है, दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा करना है। क्या कल इसके ऊपर मंजूरी देंगे आप? जी ऐसा ही होगा। और हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं मुसल्ला अफवाज, वो पूरी तरह से कम्पिटेंट हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वो इसको जो है वो बड़े ही लिमिटेड टाइम में जो है वो पूरी तरह से जो है वो क्लियर कर देंगी। बल्कि जब ये ऑपरेशन शुरू होगा तो हो सकता है कि शुरू होने से पहले वो लोग भाग जाएं यहाँ से। दहशतगर्दी की हालिया लहर। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कल होगा। सियासी और अस्करी क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर गौर करेगी। इसी अहम मामले पर वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की है। मुल्की अंदरूनी और बैरूनी सलामती सूरतेहाल पर मुशावरत हुई है। ज़िला खुर्रम में दहशतगर्दों से मुकाबले में कौम के तीन बहादुर सपूतों ने सीने पर शहादत का तमगा सजाया। फायरिंग के तबादले में दो दहशतगर्द मारे गए। ISVR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पाक वतन के मुहाफिज जानों के नजराने पेश करके दहशतगर्दों का सर कुचलने में मसरूफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद झड़प के दौरान दो दहशतगर्द हलाक, पाक फौज के तीन जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक जिला कुर्रम के इलाके आरावाली में सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। पाक फौज के जवानों ने इंतहाई बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए दो दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दिफाए वतन का फरीजा निभाते हुए तीन जवान शहादत के रुतबे पर फायज हुए। 43 साल शहीद सूबेदार शुजा का ताल्लुक खैरपुर सिंध, 32 साल शहीद नायक रमजान का खुशदार बलोचिस्तान से था। सखर के रिहायशी 30 साल सिपाही अब्दुल रहमान भी शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशतगर्दी की लानत को जड़ से खत्म करने के अज़्म का इआदा। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं, बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे हौसले मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने ज़िला कुर्रम में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई पर पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म ने अपने एक बयान में जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर जवानों को खराज अकीदत पेश किया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ आहनी आज़म और साबित कदमी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज करने वालों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कौम की दुआएँ अपनी बहादुर अफवाज के साथ हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। शुहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं होने देंगे। सियासत से जुड़ी कुछ खबरें शामिल करें। आपको बताएं, इस्तीफों के मामले पर PTI अरकान असेंबली ने फिर यू टर्न ले लिया। स्पीकर से मुलाकात के लिए पहुंचे लेकिन किसी एक रुकन ने भी ये नहीं कहा कि इस्तीफा कबूल कर लें। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, जत्थों की सूरत में आएंगे तो समझूंगा उन पर दबाव है। स्पीकर ने पार्लियामेंट में वापसी की दावत दी तो PTI अरकान ने मशवरे के लिए वक्त मांग लिया। किसी ने ये नहीं कहा कि उनमें से कि मैं इस्तीफा देना है और मेरा इस्तीफा आप मंजूर कर लें। मैंने तो उनको इसीलिए बुलाया था कि वो तशरीफ लाएं और मेरे सामने आकर सिर्फ यही उन्होंने कहना था कि मेरे पे कोई दबाव नहीं है, मैं खुद इस्तीफा दे रहा हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। क्यों रोका गया लोगों को? ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम मेम्बरान एक दफ़ा कोई पार्टी लेकर आए और सबको बिठा कर कोई फैसला करने की कोशिश करे, तो उसको मैं दबाव समझता हूँ। आपके मेम्बरान इनफरादी तौर पर आए मेरे सामने, हर बंदे के पास 6-6, 7-7 लाख लोगों का मैंडेट है। उन 7 लोगों के मैंडेट को सिर्फ यक जुम्बश कलम जो है वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं? बीइंग कस्टोडियन ऑफ द ओथ कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरी और उन ऑनरेबल मेंबरान के दरमियान होती हैं,
और मुझे यकीन है कि आप इस पे नहीं इंसिस्ट करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई वफ से मुलाकात में मुस्ताफी अरकान का पोल भी खोल कर रख दिया। बताया 2 MNAs ने छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी है, 3 हाजिरी लगाकर तनख्वाह के दावेदार हैं, 2 दर्जन इस्तीफा ना देने के ख्वाहिशमंद, जबकि 6 अपने दस्तखतों से ही इनकारी हो चुके हैं। मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानिए इस रिपोर्ट में। ना करते बिल आखिर तरीके इंसाफ का वफ्द इस्तीफों की मंजूरी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मिलने पहुंच ही गया। मुलाकात में फिर वही मुर्गे की एक टांग और इज्तमाई इस्तीफों की मंजूरी पर इसरार, स्पीकर ने भी आईना दिखा दिया। राजा परवेज अशरफ ने वफ्द को इस्तीफे न देने वाले खिलाड़ी अरकान और खुफिया राब्तों से आगाह कर दिया। कहा नवाज अलाई और तालिब नकई ने छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी है, जुबैदा जलाल, गुलाम बीबी भरवाना, गुलाम मोहम्मद लाली यवान में हाजिरी लगा चुके। मस्कूर अरकान ने इसी बुनियाद पर तनख्वाह का भी दावा कर रखा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा 22 PTI MNAs ने तो टेलीफोन करके कहा कि वो इस्तीफे देना ही नहीं चाहते, जबकि 6 ने इज्तमाई इस्तीफों पर अपने दस्तखत को ही जाली करार दे दिया। स्पीकर के इनकशफात पर पीटीआई मुलाकाती वफ्द के अरकान हैरानों परेशान लगे एक दूसरे का मुंह देखने। कहा इमरान खान से बात करके आपको बताएंगे। और तो और ऐलान के बावजूद असद उमर, परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी स्पीकर से मुलाकात करने वाले वफ्द का हिस्सा न बने। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। ऐसे में वफाकी वजीर साद रफीक ने स्पीकर कौमी असम्बली को पीटीआई के इस्तीफों की मंजूरी का मशवरा दे दिया। कहा इस्तीफों से आम इंतखाबात तो दूर की बात, ज़िमनी इलेक्शन का भी माहौल नहीं बनेगा। पीटीआई के इस्तीफे गैर आईनी और गैर कानूनी करार, साद रफीक सियासी हरीफों पर खूब गर्जे बरसे, टेक्नोक्रेट सेटअप की कयास आरायों को फुलझड़िया कहा, स्पीकर कौमी असम्बली को मशवरा भी दे डाला। कानूनी तरीके से अपने इस्तीफे पेश करते हैं, स्पीकर साहब को उनके इस्तीफे बिल्कुल मंजूर कर लेने चाहिए और ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो होने दें। और ये जो दावा करते हैं मुल्क में आम इंतखाबात का माहौल बनेगा, नहीं, मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात का भी माहौल नहीं बनेगा। बाज़ लोग हैं जो सियासी तौर पे यतीम हो गए हैं, वो इस तरह की शुर्रियाँ छोड़ते रहते हैं। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने सरबराह तहरीके इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। कहा इमरान खान अपनी किसी बात पर कायम नहीं रहते। केपी असेंबली में तो किसी और की हुकूमत नहीं है, इत्तेहादी हुकूमत नहीं है, वहाँ असेंबली तोड़ दें, हमें पता चले कि आप वाकई संजीदा हैं। कभी कहते हैं मुझे जो है ख्वाब में है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत 2 साल के लिए आ रही है, कभी वो कहता है कि ये साल 1 साल असेंबली एक्सटेंड कर देंगे। भैया एक बयान दे दें ताकि हम उसके ऊपर अक्सर डिबेट कर सकें, किसी की मंशा पर पार्लियामेंट और आईन और मुल्क नहीं चल सकता। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि पीटीआई ने इस्तीफे देने ही है तो आईन और कानून के मुताबिक चलना होगा। बिजली गैस की लोड शेडिंग और महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी कहते हैं कि 3 हफ्तों बाद इमरान खान भी सड़कों पर आएंगे, हुकूमत के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। मामलात के ऊपर कल से तहरीक इंसाफ मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रही है। 3 हफ्तों के बाद इमरान खान इंशाल्लाह इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे और हम दोबारा सड़क के ऊपर होंगे और ये सिलसिला जब तक ये हुकूमत नहीं जाती इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो दोबारा जारी होगा। टेक्नोक्रेट हुकूमत की जिस तरीके से बाजगश्त सुनाई दे रही है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने आज इसके ऊपर गौर किया है और इसको मुस्तरद किया, किसी तौर के ऊपर भी टेक्नोक्रेट हुकूमत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है। इमरान खान की लीक ऑडियो का फौरन जिक्र आ लिया, वो 100% दुरुस्त है। वज़ीर दाखिला राना सना का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में इंकशाफ। कहा 2 दिन पहले तक मार्च अप्रैल में इलेक्शन का शोशा छोड़ने वाले इमरान खान अब टेक्नोक्रेट हुकूमत की अफवाहें फैला रहे हैं। पीटीआई वाले मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की बाकायदा मनसूबाबंदी करते हैं। 2 दिन में पहले ये कह रहे थे कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे, कल इन्होंने कहा कि जी टेक्नोक्रेसी गवर्नमेंट जो है वो आ रही है 2.5 साल के लिए। ये इनके तकरीबी जहन की जो है वो इख्तरा है, अफवाहें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी के साथ कोई रब्ता नहीं हुआ। और अफवाहें उड़ाने में पीटीआई के ये लीडर्स जो हैं ये बाकायदा बैठ के सोचते हैं, ये सोचते रह जाएंगे। इंतखाबात जो है वो इंशाल्लाह ताला अक्टूबर 2023 में ही होंगे। इमरान खान जो इसका किरदार सामने आया है, अपने मुखालफीन के खिलाफ प्रोपेगंडा कर रहा है, केस बना रहा है, तो खुद इतनी घटिया करप्शन में मुलव्वस था, तोशाखाने से जो है वो सारी चीज़ें उठा के बेच रहा था, तो ये आदमी जो है इसका ये किरदार है। और इसकी जो ऑडियोज लीक हुई हैं उनकी हमने साइड पर जो है वो फ्रेंजे करवाई है, 100% दुरुस्त है, ये करे उनको चैलेंज।
वो जो आयला मलिक के साथ मुबैना एक ऑडियो आई है जिसकी डिनाइल आयला मलिक की जानिब से की गई है, वो आपके ख्याल में दुरुस्त है? 100% दुरुस्त है। करे आयला मलिक उसको चैलेंज करे या ये करे, फॉरेंसिक दुनिया के जिस एजेंसी से जहां से कहें वो करवा देते हैं। इमरान खान को अदालती महाज पर नाकामी। सुप्रीम कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने वजीर आजम के हतक इज्जत के दावे में हक दिफा बहाल करने की अपील खारिज कर दी। ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर 10 अरब हर जाने का दावा दायर कर रखा है। इमरान खान ने मियाँ शहबाज शरीफ पर पनामा मामले में रिश्वत की ऑफर का इल्ज़ाम लगाया था। मौसम गजब ढा रहा है। मुजफ्फराबाद के सयाहती मकाम पीर चनासी में शदीद बर्फबारी के सबब सयाहों की गाड़ियां फंस गई हैं। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल हमारे साथ हैं। अमीरुद्दीन मुगल, यहां से इनको निकालने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं? मुजफ्फराबाद के नवाब में तकरीबन 9000 फीट से भी ज्यादा बुलंद है पीर चनासी का सयाहती मकाम, जहाँ पर आज शाम के वक्त अचानक जब बर्फबारी शुरू हुई तो वहां पर बड़ी तादाद में सयाह मौजूद थे और बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाका होने की वजह से फिसलन के बायस गाड़ियां बंद हो गई और काफी तादाद में सयाह पैदल निकले और काफी ज्यादा फंस कर भी रह गए। तकरीबन 30 गाड़ियां वहां फंसी हुई थी जिनमें मौजूद सयाह जिनमें ख्वातीन बच्चे भी शामिल थे उनको निकाला गया है और रेस्ट हाउस है करीब उन तक लाया गया और उनको मुजफ्फराबाद लाने की कोशिश की जा रही है। तमाम इंतजामिया के मुताबिक लोग जो है महफूज है, काम जो है वो और काम शाम के बारे में बताया। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर के असिस्टेंट डायरेक्टर सईद कुरैशी कहते हैं कि बर्फबारी के बाईस फैमिलीज फंस गई थीं। इत्तला मिलने पर फौरी टीमों को भेजा, तमाम अफराद को रेस्क्यू करके बहिफाजत वापस पहुंचा दिया गया है। समा से खसूसी गुफ्तगु में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। 25 से 30 फैमिलीज जो थी ये आज दिन को कहीं पीर चनासी गई थी, वापसी पे स्नोफॉल हो गई तो ये वहाँ पे स्टैंडर्ड हो गए थे ये लोग ऊपर टॉप के ऊपर, और मगरब के वक्त हमें इनकी इतला मिली थी, उसी फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था। इन लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके एक सरा रेस्ट हाउस है वहाँ पे और बाकियों को नीचे ला के गाड़ियों से अब उनको मुजफ्फराबाद शहर में मुंतकिल किया जा रहा है। कोई इंजर्ड नहीं है, कोई तशवीशनाक हालत में किसी की भी ऐसी सूरत नहीं रिपोर्ट हुई। उधर गिलियात में शदीद बर्फबारी के सबब मरी रोड कंडला तौहीद आबाद के मकाम पर बंद हो गई, सयाहों की दर्जनों गाड़ियां फंस के रह गई। इस वक्त क्या सूरत हाल है, समा के नुमाइंदे आतिफ कयूम अपडेट कर रहे हैं। जी आतिफ। जी नचे गली अयूबिया और ठंडहानी में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो दिन भर से जारी है। इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है और नचे गली में इस वक्त 2 इंच से ज्यादा जो है वो बर्फ पड़ चुकी है। एबटाबाद से मरी जाने वाली जो शराह है वो तौहीदाबाद और कुंडला और बड़ा गली के मकाम के ऊपर बंद हुई है, जिसमें स्याहों की गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, जिसमें स्याह हैं, खवातीन हैं, बच्चे भी हैं। इस वक्त पुलिस वहाँ पर पहुँची हुई है और उन अफराद को वहाँ से रेस्क्यू करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि इन मकाम के ऊपर जो है मोबाइल सिग्नल ना होने के बाइस भी रबते के जो है वो फुकदान है। जो इस मैन रोड को खोलने की जो जिम्मेदार अदारा है गलियात गवर्नमेंट अथॉरिटी, उसकी तरफ से वो इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं जो होने चाहिए थे। एक अलर्ट जारी की गई थी कि यहाँ पे स्नोफॉल जो है वो होगी, तो इस वक्त भी यहाँ पे बर्फबारी का ये सिलसिला जारी। आपने अपडेट किया। लाहौर में असातिज़ा का मुतालबात के हक़ में एहतजाज तीसरे रोज़ भी जारी है। उनका मुतालबा है कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए, लेकिन पंजाब हुकूमत कमेटी बनाने से आगे ना बढ़ सकी। मज़ीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे उमर याकूब। जी उमर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल रोड पर, जहाँ पर असातिज़ा का 3 रोज से एहतजाज जारी है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए, कमेटियाँ बनाई गई, लेकिन इनका यक निकाती एजेंडा है जिसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं मान रहे, इस पर बात करेंगे, असातिज़ा हमारे पास मौजूद है। ये तो हुकूमत ही बेहतर इसकी वजाहत कर सकती है। हम यहाँ पे 14,000 फैमिलीज़ के मुहाफिज़ यहाँ पर मौजूद हैं, 3 बार 4 बार धरना दे चुके हैं। बनी गाला में भी धरना दिया गया था
और हर बार हमें ये वादा करते हैं कि हम आपको रेगुलर एक महीने में कर रहे हैं, एक वीक में कर रहे हैं। अगर ये मुतालबा हल ना हुआ तो कल 11 बजे हम दोबारा जमान पार्क जाएंगे और केनाल रोड को बंद करेंगे। इस एहतजाज के बायस माल रोड और उसकी सराउंडिंग में जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो बुरी तरह से मुतासर हो चुका है, तो हुकूमत इनसे मुजाकरात करिए, कमेटियाँ बना रही है, लेकिन इनके मुतालबात नहीं मान रही। तो इस पर ना सिर्फ ये असातज़ा बल्कि जो लाहौर के बासी है वो भी शदीद मुश्किल का सामना कर रहे हैं। जी जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। और अब पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि रूस से तेल और एलएनजी खरीदने के मामले पर पेशरफ्त हुई है। रूसी वजीर बराए तवानाई 19 जनवरी को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। रूस से तेल और एलएनजी खरीदारी पर मामलात फाइनल किए जाएंगे। आज पाकिस्तान और रूस के वजारत तवानाई हुकाम के दरमियान ऑनलाइन इजलास हुआ। तेल खरीदारी के उमूर पर बातचीत की गई। शिपिंग और इंश्योरेंस के मामलात और तेल की दरामद के लिए माली इंतजाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत बैरूनी अदायगियों की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा ग़ौस पाशा ने एक बार फिर वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का कोई खदशा नहीं। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने मुल्क दिवालिया होने और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने की अफवाहें एक मरतबा फिर सख्ती से मुस्तरद कर दी। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा ग़ौस पाशा कहती हैं सऊदी अरब और चीन से डिपॉजिट्स के साथ साथ कर्जा रोल ओवर होने की भी कवी उम्मीद है। 3 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है, मजीद चीन से भी रोल ओवर की भी बात हो रही है, बाकी चीजें भी है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की हम उम्मीद कर रहे थे, जो हमने बजट की हुई थी, ज्यादातर वो इसी हाफ ऑफ द ईयर में आएगा। वजीर मुमलिकत खजाना ने IMF के साथ जनवरी में बर्फ पिघलने की नवीद भी सुना दी। 9 जनवरी को जो हमारी जिनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस होगी उस पर भी वो होंगे, उस पर भी फाइनेंस मिनिस्टर की उनसे मुलाकात होगी और उस पर मजीद बातें जो है मजीद क्लियर होंगी। दूसरी जानिब सेक्रेटरी वजारत मंसूबा बंदी सैयद जफर अली शाह का कहना है सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पाकिस्तान अपने वसाइल से अब तक $1.5 अरब खर्च कर चुका। 30 जून 2023 तक 3 से 3.5 अरब डॉलर खर्च होने का तखमीना है। डोनर्स कॉन्फ्रेंस में इमदाद के वादों के साथ आलमी मालियाती इदारों से नर्म शरायत पर कर्ज में पेशरफ्त की उम्मीद भी जाहिर कर दी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बात करने वालों को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। कोई पाकिस्तान को जो कहे कि डिफॉल्ट होगा वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा, पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। पाकिस्तान डिफॉल्ट ना किया है और ना कभी इंशाल्लाह करेगा। हम जो चैलेंजेस हैं उनके लिए सब मिलकर काम करेंगे और अब पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से कैसे निकालना है, कैसे आगे लेकर जाना है, ये काम सियासी तकसीम से बड़ा काम है। पाकिस्तान की मईशत पर और पाकिस्तान के इक्तसादी मुस्तकबल पर भी हमें सियासत से परहेज करना चाहिए। एक हफ्ते में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में 39 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की कमी। स्टेट बैंक के पास डॉलर्स का जखीरा कमर्शियल बैंक्स के डॉलर डिपॉजिट से भी कम रह गया। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरूनी कर्ज की अदायगी के बायस ज़र मुबादला जखायर में कमी आई। स्टेट बैंक के पास 5 अरब 82 करोड़ डॉलर्स का जखीरा बाकी रह गया है, जबकि कमर्शियल बैंकों के डॉलर डिपॉजिट्स का माली हजम 5 अरब 88 करोड़ डॉलर्स है। माहरीन के मुताबिक स्टेट बैंक के पास मौजूदा डॉलर जखायर 35 दिन की दरामदाद के बराबर हैं। गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए सिंध हुकूमत इन एक्शन, सिंध के 5 अजला में खसूसी चेक पोस्टें बनाने का हुक्म दे दिया है। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान आलम साहब, कहाँ कहाँ ये चेक पोस्टें बनाई जाएंगी? देखिए, ये कराची लाहौर और कराची लालखाना और सक्खर के डिप्टी डायरेक्टर फूड को जो है ये ऑर्डर जारी किए गए और इस ऑर्डर की कॉपी समझे भी हासिल कर लिए। गंदम की दीगर सूबों और अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने के हवाले से जो है निगरानी का निजाम बनाने का ऑर्डर जारी किए गए। अब 24 समय सिंध के 5 अजला में खसूसी चेक पोस्ट बनाने की हिदायत की गई है। इसमें घोटकी, कश्मोर, शहजादकोट, जैकबाबाद के मखसूस पॉइंट पर चेक पोस्ट बनाने की हिदायत की गई, क्योंकि कराची समेत सिंध भर में गंदम जो है वो 110 रुपए और आटा 130 रुपए प्रति किलो की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर सिंध कामरान तिसौरी का कराची की सियासी सूरत हाल पर शहरियों को सोशल मीडिया पर कमेंट्स करने का मशवरा। कहा इस बार वो होगा जो शहर कराची चाहता है। मैं समझता हूं कि इस बार वो होगा जो ये शहर चाहता है। कल खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई सरबरा MQM पाकिस्तान अपनी राबता कमेटी की
साथ गवर्नर हाउस आए थे। काफी सारी बातें हुई हैं। पीपल्स पार्टी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उस पे अमल दरामद ना होना सरे फहरिस्त था। कराची के जो लापता साथी हैं उन पर बात की गई। खालिद मकबूल भाई बहुत अरसे से ये बात कह रहे हैं कि हम सब मिलजुल कर ही इस शहर की और इस सूबे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, कि सबको एक होना है और एक साथ मिलजुल कर ही आगे बढ़ना है। और मैंने ये सवाल आज कराची के शहरियों से इसलिए किया है कि आप लोग कमेंट करें, सोशल मीडिया पे कमेंट करें कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, और होगा वही जो आप चाहते हैं कि मैं सबको एक साथ बिठाऊं और ये बताऊं कि ये वक्त एक दूसरे को ठीक करने का नहीं है, इस सूबे, इस शहर और इस पाकिस्तान को ठीक करने का है। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शाहिद अफरीदी की बड़ी साहिबजादी का निकाह कल कराची में होगा। अक्सा अफरीदी का निकाह नासिर नसीर से हो रहा है। तकरीब में रिश्तेदार और करीबी दोस्त शिरकत करेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी को भी तकरीब निकाह में मधु किया गया है। आज मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -10 रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रही, आइए आपको दिखाते हैं। मेयर लंदन सादिक खान ने अहले खाना के हमरा उम्रे की सआदत हासिल कर ली है। लंदन के मेयर सादिक खान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, खुशी है कि साल का इख्तिताम मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हाजिरी और उम्रे की अदायगी से हो रहा है। मेयर लंदन सादिक खान ने 2023 के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया।